हे दोस्तों, कैसे हो आप? ऐसे केस हर घर में होने चाहिए, मैंने ऐसा क्यों कहा? इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आई एम श्योर आप भी लास्ट में यही कहेंगे, ऐसे केस हर घर में होने चाहिए। फैक्शिप आपका स्वागत करता है। आज जानेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट यूनिक कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट में केस आया जिसने सभी को हैरान होने पर मजबूर कर दिया। आपने कोर्ट में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट और भी ऐसे कई केस देखे और सुने होंगे, बट ये केस सबसे अलग था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बड़े भाई पर केस कर दिया था। केस ये था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो गया है और वो अपनी केयर भी ठीक से नहीं कर पाता, और ऐसे में मेरे मना करने के बाद भी मेरा भाई हमारी माँ जो 110 साल की है उनकी देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक और सेहतमंद हूँ, इसलिए माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और केस भी चर्चा में आ गया। काफी आर्गुमेंट के बाद न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों से कहा, आप 15-15 दिन के लिए माँ को रख लो, इस तरह से आप दोनों भाई माँ का ध्यान रख सकोगे। इस बात को सुनने के बाद दोनों में से कोई भी टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ मेरे लिए स्वर्ग है, मैं अपने स्वर्ग को दूर नहीं करूँगा। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो बेशक छोटे भाई को सौंप दो। छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से अकेले बड़ा भाई सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी तरह के प्रयास कर लिए मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए माँ को कोर्ट बुलवाया और पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। माँ कुल 40 किलो की बेहद कमजोर सी दिख रही थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। माँ ने दुखी दिल से कहा, मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं, मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है, जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया। न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है, बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है, ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे ने मेरी माँ मेरा स्वर्ग मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी लोगों का मन बहुत दुखी हुआ। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर भाई बहन के बीच विवाद हो तो कुछ इस तरह का हो, ना कि माँ तेरी है की लड़ाई में माता पिता ओल्ड एज होम में अपने दिन गुजार रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। हमें इस केस से ही सबक लेना चाहिए। अगर आपने भी ऐसे अजीब केस देखे हैं या सुने हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।